अभी हमें रुद्रपुर स्टेशन पे, ट्रेन अभी आ ही नहीं है, अभी आ रही है, तो जर्नीपुरी में दिखाऊंगा आगे आपको। राजस्थान जा रहे हैं हम रुद्रपुर से, तो अभी रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पे हैं और ट्रेन अब पहुंची है, 20 मिनट लेट हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम खड़े हैं, ट्रेन आ गई और भगदड़ चालू। अरे मतलब रुकनी है यार, क्या। अरे पीछे निकल गया सिख, पीछे निकल गया। अपनी सीट मिल चुकी है और अपने सीट पर बैठ गए हैं, अपने स्लीपर में है और ट्रेन चल पड़ी है। बारिश स्टार्ट हो गई है ट्रेन के चलते ही, मौसम देख रहे हो एकदम मौसम हो रहा है, बिजली कड़क रही है और हम रुद्रपुर से अब निकल चुके हैं। आगे जैसे जैसे आएगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। भैया मौसम देखो, मौसम हो रहा है ऐसा, बारिश झमाझम, रुद्रपुर से निकलते ही आंधी बारिश, मतलब हम अभी निकले हैं और बारिश ने स्वागत कर दिया है हमारा। अभी रामपुर पहुंच गए, ट्रेन अभी जस्ट रुकी है, लेट चल रही है ट्रेन थोड़ी, तो देखते हैं कितनी देर में चालू होती है, चलते हैं फिर आगे। अब मैं सो ही जाऊंगा क्योंकि लेट हो गया, 11:30 बज गए हैं। कुछ खाने का देखता हूँ यहाँ पे, कुछ खाने का क्या मिलता है, खा करके फिर सोते हैं, सुबह मिलता हूँ आपसे। हमारा साथ का ये तो चित हो चुका है, तो ट्रेन से उतर गए हैं, बावल पहुंच गए हैं, अब जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ जहां जाना है। अभी जब ट्रेन रुकी है अब बज रहे हैं सुबह के 7:30 टाइम हो गया, तो अब नहा वहा के अब पहुंच गए मेन काम के लिए, जिस काम के लिए आए हैं कंपनी, और पीछे आपको दिख रही होगी बहुत बड़ी कंपनी, ये LP कंपनी है, ये मेन राजस्थान में है, मतलब राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर ही लगती है। तो अभी चलते हैं अंदर, काम निपटाते हैं, अब मेरे ख्याल से पूरा दिन यहीं चला जाएगा, अभी तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में काम निपटता है। ये देखो बहुत बड़ी कंपनी है यार, ये कम से कम 15-20 एकड़ में तो होगी सर, ये 65 एकड़ में है, अभी तो ये आपको दिख नहीं रही अंदर से, बहुत तगड़ी बन रखी है। गाइस पंखा देखो, ये कितना बड़ा पंखा है, गाइस सुबह से कंपनी है, मतलब जिस टाइम से आए हैं कंपनी घूम घूम के परेशान हो गए हैं। ये देखो करोड़ों रुपए का तो स्टॉक ही पड़ा है भाई साहब यहाँ, चित हो चुके हैं। ये रूम है मेरे दोस्त का, यहीं पर हमने रुके हुए हैं, रात को जाएंगे होटल में, तो मैं होटल का भी दिखाऊंगा आपको। अभी रूम पे आ गए हैं कंपनी से थक हार के, तो अब थोड़ी देर आराम करूँगा और ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता हूँ, फिर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो इंटरेस्टिंग नहीं रहता, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ। इसका आगे का पार्ट मैं कल वापसी भी जा रहा हूँ, तो कल भी मैं आपको जर्नी दिखाऊँगा जो वापसी की होगी, तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।